साल के क्या कलर्स हैं, कोई स्पेसिफिक कलर्स हैं 2023 के, या एवरीथिंग इज इन फैशन? देखिए, एवरी कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो जैसे जैसे सीजन आते हैं उस हिसाब से कलर्स आते जाते हैं। अब सर्दियों में हमारे पास नॉर्मली हम वार्म टोन्स पे होते हैं, रस्ट कलर है, मरून है, रेड्स अच्छे लगते हैं, इंक ब्लू अच्छा लगता है आपको, ग्रीन की टोन्स अच्छी लग रही होती हैं, कॉपर्स में अच्छे लग रहे होते हैं। और जबकि आप गर्मी में आते हैं या जैसे आपके पास स्प्रिंग सीजन आता है तो आपके कलर चेंज होने लगते हैं। ये सिर्फ इतना प्यारा बोल रही है, वो खतरनाक डिजाइनर है, इसके पास जाएंगे 5-6 जोड़े ये सेल करके बंदे को भिजवाएंगी मुझे लगता है। वो स्वीट बोलती है। बस वो बात सारी यही है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फिर वो कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कलर। अगर आपने सीजन के हिसाब से आपकी बात आपकी क्लाइंट्स मानती हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे क्लाइंट जो है अकॉर्डिंग टू द सीजन ही जा रहे होते हैं। बिकॉज आप कुछ सोचें कि मैं अगर ऑफिस में बैठी हूँ, एक मीटिंग के अंदर बैठी हूँ और मैंने ऑरेंज कलर पहना हुआ है तो मेरी बात का इंप्रेशन भी वो नहीं जाएगा। सही, बिल्कुल सही। हम किसी को भी देखकर बात करते हैं कि अच्छा उसका लुक कैसा है, आया ये प्रेजेंटेबल है, उस तरह की फिर हम उससे बात स्टार्ट करते हैं। मतलब आपके ख्याल से जो फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन और इट इज द लास्ट इंप्रेशन? नो, इट्स नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज हम चेंज करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। अब अगर आप देखें कि जो नॉर्मली हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं उन्होंने जो कलर पहने हुए होते हैं, जो कपड़े पहने हुए होते हैं, अगर उन्होंने ब्राइड बनी है तो उन्होंने लहंगा पहना है तो वो एक लुक आने लगेगा कि ब्राइड ही से बात कर रहे हैं हम। सही बात है। और अगर हमने इंटरनेशनल या हमने वेस्टर्न वेयर में पहना है बात करें तो हमें होगा कि हाँ हम किसी बैंकर से या कुछ इस तरह सेक्टर की।